नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आजादी के 75 इयर्स के बाद में भी भारत के कुछ ऐसे स्टेट और डिपार्टमेंट हैं जहां पर अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून चलते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का पुलिस विभाग, जहां पर 1934 के अंदर फ्रेम किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। अब उसी चीज को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने आया है और एक असल हमको देखने को मिली है बिटवीन द डीजीपी एंड आईजी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि डीजीपी के पास ज्यादा पावर है या फिर आईजी के पास में ज्यादा पावर है, इनमें से पावरफुल कौन है, किसका ऑर्डर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, आईजी का या फिर डीजीपी का। अगर देखे नॉर्मली अगर आप देखोगे, दूसरे स्टेट्स में देखोगे, यूटी में देखोगे, जो पुलिस प्रशासन है उसमें पदानुक्रमता जो है सबसे ऊपरी तौर पर आपको डीजीपी मिलेगा। ये हेड ऑफ द स्टेट पुलिस होते हैं, जो स्टेट पुलिस की टीम होती है उसके हेड होते हैं। उसके बाद आपको एडीजीपी देखने को मिलेंगे, उसके बाद कहीं जाके आईजी मिलता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, आईजीपी भी आप इसको कह सकते हो। अब हरियाणा में कुछ और ही चल रहा है, पंजाब और हरियाणा में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर है आईजी के पास में, इनके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू 1934 के रूल, क्योंकि 1934 का जो नियम है वही दोनों राज्यों के अंदर लागू है, ऑफिशियल रूप से लागू है। लेकिन अनौपचारिक रूप से अगर आप देखोगे तो जो डीजीपी वाला जो है हायरार्की है इसको भी फॉलो किया जाता है। अब यहीं से टसल स्टार्ट होती है कि पावरफुल कौन है, डीजीपी या फिर आईजी, किसके ऑर्डर को माना जाएगा। तो एक यहाँ पे केस आया था, उस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को, पंजाब को भी और हरियाणा को भी, लताड़ लगाई है कि भाई आजादी को 75 साल हो गए, कर क्या रहे हो आप लोग, एक कानून आपसे बदला नहीं गया। 1934 के अंदर जो फ्रेम किया गया था उसको आप फॉलो कर रहे हो, ये आउटडेटेड हो चुका है, आउटडेटेड हायरार्की है। वर्तमान में जो हायरार्की चलती है, पदानुक्रमता चलती है, उसको फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ जो ऐसे अलाउंस हैं जो कि अंग्रेज अधिकारियों को दिए जाते थे उनको भी बंद कीजिए, जैसे कि हॉर्स एंड सैडली अलाउंस, इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश इरा के नियमों के अंदर चेंज करने की बात की गई है। अब देखिए हम बात करते उस टाइम की, ब्रिटिश इरा के अंदर तो जो हमारा पंजाब प्रोविंस था उसके अंदर मॉडर्न डे पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न का कुछ हिस्सा, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब को मिलाकर हमारा प्रोविंस बनता था पंजाब प्रोविंस। अब उस इतने बड़े प्रोविंस के प्रशासन को चलाने के लिए नियम चाहिए थे, तो 1934 के अंदर नियम बनाए जाते हैं, पुलिस नियम करके बनाए जाते हैं, राइट। अब मामला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट एक प्ली को डिसमिस करते हैं जो कि फाइल की गई थी एक फॉर्मर कॉन्स्टेबल ऑफ द हरियाणा पुलिस के द्वारा। हरियाणा पुलिस का एक कॉन्स्टेबल था जिसको कंपल्सरी यहाँ पे रिटायरमेंट दिया जाता है फोर्स पुली बाय द ऑर्डर ऑफ डीजीपी ऑफ हरियाणा। अब ये यहीं से केस की शुरुआत होती है। इस मामले को समझ के चलना, इस पॉइंट को एक बार आपने पकड़ना है कि जो डीजीपी है हरियाणा के वर्तमान में, उनके द्वारा, मीन्स नॉट वर्तमान में, उस टाइम पे उनके द्वारा यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जाता है। इनके ऑर्डर के अनुसार जो एक कॉन्स्टेबल थे एस मोहम्मद करके, इनको यहाँ पे फोर्सफुली रिटायरमेंट दिया जाता है, मीन्स इनको न तो यहाँ पे डिसमिस किया जाता है ना ही सस्पेंड किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, फोर्सफुली कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अब यहीं से शुरुआत करेंगे मामले की, राइट। अब इससे पहले थोड़ा सा पदानुक्रमता मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो 1934 का जो रूल है वो क्या कहता है कि इंस्पेक्टर जनरल जो रहेंगे ना वो स्टेट की टीम को हेड करेंगे, इनके अगर सीधी बात है स्टेट की टीम को हेड करेंगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा, आईजी रहेगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे हमारे दूसरे स्टेट्स के अंदर नए नियम बना दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग डीजीपी सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि स्टेट पुलिस के चीफ होते हैं, राइट। उसके बाद में आपको पता है एडिशनल डीजीपी आते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आईजी आएगा जो कि एक जूनियर रैंक का अधिकारी है। हालांकि तीनों आईपीएस हो सकते हैं, आई रैंक जो इनका इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, आईपीसी आईपीएस होते हैं, और पद इनका ये रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो नियम है 1934 का, ये हरियाणा में भी लागू है और पंजाब में भी ऑफिशियल रूप से लागू है, मैंने आपको बताया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दूसरे नियमों के अनुसार ये डीजीपी सबसे पहले है, फिर एडीजीपी जैसे कि मैंने बताया अभी को, और उसके बाद कहीं ना कहीं आईजी देखने को मिलता है। अब सवाल ये खड़ा होगा कि कौन पावरफुल है, इस केस को हम लोग समझ लेते हैं। केस था जैस मोहम्मद का, सॉरी एस मोहम्मद का, ऐसे ऐसे मोहम्मद करके एक व्यक्ति हैं, 1973 के अंदर हरियाणा पुलिस में भर्ती होते हैं, 1993 में इनको हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, प्रमोशन हो जाता है। लेकिन इनके खिलाफ क्या होता है कि कुछ कंप्लेंट आती हैं जिसमें कि करप्शन की कंप्लेंट थी, कुछ मिसबिहेवियर की थी, कुछ और दूसरी कंप्लेंट थी, जिनका डिपार्टमेंटल के तौर पर ही इंक्वायरी बिठाई जाती है। अब इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इनको दोषी ठहराया जाता है,
और इसीलिए इनकी जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट थी उसको रिवर्ट करके इनको वापस से कांस्टेबल बना दिया जाता है। अब भाई ऊपर वाली पोस्ट थी, वापस से इसका डिमोशन कर दिया, नीचे वाली पोस्ट पे आ गए, तो सीधी सी बात है जो इनको तनख्वाह मिलती है उसके अंदर भी डिमोशन होगा। पहले वाली तनख्वाह थोड़ी मिलेगी। दो चीजें यहाँ पे हो गई हैं, एक तो इनके पद में डिमोशन हो गया, दूसरा इनके तनख्वाह में भी कमी हो गई है। अब इन्होंने आईजी के सामने 2001 के अंदर एक अपील दायर की। अब मामला 2001 का, 2001 के अंदर यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि गुरुग्राम रेंज के थे उनके यहाँ पे सामने एक अपील दायर की और ये बोला कि जो मेरा रिवर्जन का जो ऑर्डर है जिसके तहत मेरी तनख्वाह में कमी की गई है, या फिर आप मान के चलिए जो इंक्रीमेंट करना था वो उसको स्टॉप कर दिया गया है, उसको यहाँ पे आप बदल दीजिए, उसके अंदर आप कुछ कीजिए। तो इस अपील के आधार पर उस टाइम पे 2001 के अंदर गुरुग्राम के जो आईजी थे उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो मॉडिफिकेशन किसमें किया? एसीआर के अंदर। एसीआर दैट इज द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की बनती है, आपको पता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम जो कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा वो इसको बनाता है। मीन्स जो ऊपर का अधिकारी है उसके नीचे काम करने वाले जितने भी व्यक्ति रहेंगे उन सबकी एसीआर को फाइल कौन करेगा? ये वाला अधिकारी करेगा, ठीक है। अब इसकी कौन करेगा? इससे ऊपर का अधिकारी करेगा। तो ये इस प्रकार से पदानुक्रमता के आधार पर चलता जाता है। एसीआर के आधार पे हमको पता चलता है कि ये वाला जो फला पर्सन है, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो, चाहे वो आपका आईपीएस अधिकारी हो, कोई भी किसी भी पद पर हो, कि उसका सर्विस का कार्यकाल कैसा रहा है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, वो सब उसका एक प्रकार से कर्मों का हिसाब इसके अंदर रहता है, एसीआर के अंदर, ठीक है। अब इसके एसीआर में जैसे मोहम्मद सॉरी ऐसे मोहम्मद एस मोहम्मद सॉरी हम लोग केवल मोहम्मद ही नाम याद रखेंगे। मोहम्मद के केस में क्या होता है कि अक्टूबर 11 1999 से लेकर 31 मार्च 2000 तक एक एसीआर फाइल किया जाता है। फिर दूसरा होता है 1 अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 29 2000 तक। इस दौरान दो एसीआर मतलब फाइल किए जाते हैं, उसमें एडवर्स रिमार्क दे दिए जाते हैं इनके कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा इस टाइम पे 1999 से लेकर 2000 और 2000 से लेकर फिर 2000, याद रखना है। अब होता क्या है, जो मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया किया जाता है, ये जो वाला जो मॉडिफिकेशन किया गया था आईजी के द्वारा 2001 के अंदर, ये किया जाता है इस दूसरे वाले के अंदर, राइट। आई जस्ट मेक क्लियर इट। तो 2001 के अंदर 2000 से लेकर 2000 का जो ये एसीआर था इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसके अंदर जो भी एडवर्स रिमार्क थे ना उनको हटा दिया जाता है। ये बात समझ में? पहला पॉइंट ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जैसे जो मोहम्मद थे, अब मोहम्मद क्या करते हैं, एक सिविल सूट फाइल करते हैं एक लोअर कोर्ट के अंदर 2002 के अंदर। याद रखना इनका एक एसीआर क्या कर दिया गया, ठीक कर दिया गया है, लेकिन 1999 से लेकर 2000 वाला जो एसीआर है वो अभी भी पेंडिंग है, तनख्वाह अभी भी नहीं बढ़ी है। तो ये एक कहाँ पे जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं 2000 में 2002 के अंदर, ताकि इनकी जो स्टॉपेज की गई है इंक्रीमेंट उसको वापिस से बहाल किया जाए और जो एडवर्स रिमार्क है एसीआर में उनको बहाल किया जाए। तो यहाँ पे लोअर कोर्ट जजमेंट देता है कि भाई देखिए आपका जो इंक्रीमेंट रुका गया है उसको तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन जो एसीआर वाला मामला है वो हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि एसीआर फाइल किया जाता है सीओ के द्वारा, कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा, हम लोग आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है, इसीलिए आप जाइए आईजी के पास में जाइए, डीजीपी के पास में जाइए और इस मैटर को 2004 के अंदर क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इनको परमिशन मिल जाती है मोहम्मद जी को, अब ये चले जाते हैं आईजी के पास में, गुरुग्राम रेंज के आईजी। देखिए ये आईजी जो है ये आपको पता बदलते रहते हैं, पहले कोई और था, फिर कोई और आया, फिर कोई और आएगा, आगे कोई और आएगा, तो इस प्रकार से ये तो बदलते रहेंगे। लेकिन ये फिर 2005 के अंदर चले जाते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द गुरुग्राम रेंज, इनके पास जाते हैं, फिर से एक अपील दायर करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार से सुप्रीम लोअर कोर्ट ने 2000 वाला जो था उसको तो एडवर्स रिमार्क को क्लीन कर दिया गया है। अब आप इसको और देख लीजिए, तो ये मामला इनके फेवर में देते हैं, राइट। जो भी एडवर्स रिमार्क 1999 वाला जो मामला था और 2000 के वाला, उसको यहाँ पे एक्सप्यून्ड कर दिया जाता है। आई थिंक आप मामला समझ गए होंगे। अब ये 2005 के अंदर, एक बार तो 2001 के अंदर इनको मामला सुलटा आएगा, फिर 2005 के अंदर ये मामला फिर से सुलटा आएगा। जो भी दो एसीआर इनके भरे गए थे दोनों को क्लीन चिट मिल जाती है, तनख्वाह जो थी इनकी उसके अंदर भी इंक्रीमेंट मिल जाता है, राइट। आप समझ गए होंगे। अब रोल आता है डीजीपी का।
डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस का, ये कहते हैं आईजीसी कि आप कौन होते हो भाई। अब डीजीपी ने क्या किया हरियाणा के, उन्होंने एक कारण दिखाओ नोटिस जारी किया अपीलेंट के खिलाफ में, अपीलेंट यानी कि मोहम्मद के खिलाफ में। मोहम्मद को आपने बोला कि आप कारण बताओ कि किस आधार पर, किस कारण से आपका जो एसीआर है उसको ठीक किया गया है, उसके अंदर जो एडवर्स रिमार्क थे उनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पे बताया जाता है कि जिस आधार पे ये जो आपका एक्सक्लूड किया गया है ये रॉन्गफुली था, और आप यहाँ पे बच जाते हो कंपलसरी रिटायरमेंट से। और इसीलिए जो डीजीपी थे उस टाइम के हरियाणा के, उन्होंने पंजाब सिविल सर्विस रूल के आधार पर कंपिटेंट अथॉरिटी बनते हुए 55 साल के मोहम्मद को रिटायरमेंट दे दिया। इसका ऑर्डर पास किया कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, फोर्सफुली इनको रिटायर कर दिया जाता है डीजीपी ने। अगर आप देखोगे आईजी के अकॉर्डिंग तो इनको क्लीन चिट मिल गई है, तनख्वाह भी बढ़ गई है, हालांकि पद कांस्टेबल का है लेकिन एसीआर वगैरह सब कुछ ठीक है, सर्विस कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी कम इन टू प्ले और इन्होंने अपना ऑर्डर जारी किया, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। आपका जो भी ये आईजी के द्वारा 2005 में और 2001 के अंदर जो रिव्यू करके रिमार्क जो आपके थे उनको हटाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वो रॉन्गफुली है, गलत तरीके है, गलत तरीके से किया गया है, बिना रिव्यू के, बिना उस चीज को जांच पड़ताल किए उनको हटाया गया है, ऐसा बोला डीजीपी के द्वारा, और ऑर्डर पास करके इनको हटा दिया जाता है 2008 के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, राइट। अब इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर इनके द्वारा चैलेंज किया जाता है, लेकिन जो सिंगल जज थी, सिंगल जज की एक बेंच थी, उन्होंने यहाँ पे इनके जो फाइल की गई थी इन्होंने जो प्ली, उसको यहाँ पे क्वेस्ट कर दिया, रद्द कर दिया, रिट्रायल के लिए रद्द कर दिया। और जो सरकार के द्वारा यहाँ पे एलपीए लेटर पेटेंट अपील फाइल की गई थी उसको बहाल कर दिया। भाई सरकार भी तो अपना पक्ष रखेगी ना, तो सरकार ने जो पक्ष रखा उसको बहाल कर दिया। वे डीजीपी का ऑर्डर बिल्कुल सही है, इनको यहाँ पे रिटायरमेंट दे दिया जाता है, राइट। अब इस चीज को लेकर इन्होंने एक स्पेशल लिव पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को देखा, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि देखिए मामला ऐसा है मोहम्मद भाई कि आपका जो रिव्यू किया गया है वो आईजीपी के द्वारा ही किया गया है, यानी कि आईजी रैंक के अधिकारी के द्वारा ही किया गया है 2005 के अंदर या फिर 2001 के अंदर, और ऑर्डर भी किसने दिया था, आईजी ने ही दिया था, तो सेम रैंक का अधिकारी सेम चीज को रिव्यू नहीं कर सकता है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। इसको रिव्यू किया जाना चाहिए किसी सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, और सुपीरियर ऑफिसर कौन होगा, या तो डीजीपी होगा या फिर एडिशनल डीजीपी होगा या एसडीजीपी होगा, राइट। इनके द्वारा तो रिव्यू किया ही नहीं गया, सिर्फ आईजी के द्वारा रिव्यू किया गया, आपके रिमार्क्स को हटा दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही बोला, और इस मामले को बिल्कुल सरकार के पक्ष में दे दिया जाता है। जस्टिस विक्रमनाथ और असनुद्दीन अमनुल्लाह करके दो व्यक्ति थे जो हमारे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इनके द्वारा अब सरकार की भी खिंचाई की गई कि आपका चल क्या रहा है, ये जो ब्रिटिश इरा के नियम है ये कंफ्यूजन करने वाले हैं, करंट जो हायरार्की है उसको फॉलो कीजिए, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो डीजीपी की जो पावर है वो ज्यादा है, और आईजी जो कि जूनियर रैंक का अधिकारी है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आईजी ने जो ऑर्डर दिया ना उसको रिव्यू करने का अधिकार किसका है, या फिर आईजी नहीं, कोई भी अगर अधिकारी ऑर्डर पास करता है उसको रिव्यू करने का अधिकार उससे सुपीरियर अधिकारी का ही होता है, ये भी जजमेंट में कहा गया है, राइट। तो ये मामला था, और ये वगैरह कुछ अलाउंस थे स्टालिन वगैरह के अलाउंस, इनको भी हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है, और इसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीज भेज दी गई हैं चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, डीजीपी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब दोनों को भेज दी गई है कि इसके अंदर जो भी नेसेसरी एक्शन लिया जाना है उस चीज को लीजिए, वर्तमान के कंटेक्स्ट में ये आपके जो नियम है जो आप फॉलो कर रहे हो ये सही नहीं है, राइट। तो इसके लिए हरियाणा पुलिस सॉरी हरियाणा के जो गृह मंत्री है अनिल विज, इन्होंने बताया कि देखिए हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के तहत हम लोग नए नियमों का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, नियम तैयार है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कमेटी के पास इसको भेज दिया गया है, राइट। तो जो नियमों का जो ड्राफ्ट है वो जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा अप्रूवल के लिए, हरियाणा में तो अभी के लिए ये चल रहा है। इसी प्रकार से पंजाब में अगर आप देखोगे तो उनका भी 2011 के अकॉर्डिंग फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और उसको भी अभी के लिए जो असेंबली है उसके सामने रखना है और पास करवाना है, तो दोनों में नियम बन चुके हैं और उनको पास करवाना बाकी है, राइट। तो ये मामला था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, अगर ऐसा है देन प्लीज, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो यार एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इट इज नेसेसरी फॉर मी, बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस, जय हिंद।